इधर रुक करते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज खास कार्यक्रम है संविधान दिवस के मौके पर, और अब से कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस के मौके पर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करती हुई नजर आएंगी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करती हुई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आज संविधान दिवस है और इस खास मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करती हुई इस वक्त नजर आ रही है, और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। विकास जी, जय, आप देख पा रही हैं कि राष्ट्रपति ने बिल्कुल अब से कुछ ही क्षण पहले इस मूर्ति का अनावरण किया है। संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की मूर्ति, काफी दिनों से एक मांग हो रही थी यहाँ पर कि उनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित होनी चाहिए, और इसको लेकर तमाम ज्ञापन भी दिए गए थे। तो आज संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है संविधान दिवस पर, उसमें हिस्सा लेंगी, उसमें अपनी बातें भी रखेंगी जजेस के सामने। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो सबसे पहले इस मूर्ति के अनावरण के साथ है। इसके थोड़ी ही क्षणों बाद आप देखेंगे कि एक प्लांटेशन प्रोग्राम भी है, जिसमें राष्ट्रपति यहाँ पर एक पौधा भी रोपित करेंगी इसी से कुछ ही दूर पर। तो ये दो मुख्य कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल प्रीमाइसेस है, जो पुराना प्रांगण है, उसमें हो रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो इसका एक जो व्यापक कार्यक्रम है पूरा, जिसमें चर्चा भी की जाएगी, जिसमें जजेस भी अपनी बात रखेंगे, कानून मंत्री भी बोलेंगे, उसमें हिस्सा लेंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत है, जो सुप्रीम कोर्ट न्यू कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर अपने अनावरण के साथ हो गई है, और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं, और एक फोटो भी यहां पर लिया जा रहा है, फोटो सेशन भी हो रहा है। इस मूर्ति के साथ राष्ट्रपति अभी खड़ी थी और उन्होंने फोटो खिंचाई। इसके बाद चीफ जस्टिस और जो कुछ वरिष्ठ जजेस और हैं उनके साथ ही एक फोटो सेशन, फोटो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये भी कार्यक्रम में है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम है पुराने प्रांगण में, वो बहुत ही छोटा एक सीमित समय के लिए रखा गया है। जो उसके बातें हैं वो जब हम देखेंगे, राष्ट्रपति अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पिछले बार आप देखेंगे पिछली बार भी राष्ट्रपति संविधान दिवस कार्यक्रम में आई थी और उन्होंने जुडिशरी को लेकर के अपनी बहुत बेबाक राय रखी थी, और कुछ बहुत ज्वलंत जो समस्याएं हैं न्यायपालिका के सामने उन पर खुलकर बात की थी, और सीधे सीधे जुडिशरी के से कुछ सवाल आप कह सकते हैं सीधे पूछे थे कि आखिर हमारे यहाँ लोगों को इतने दिनों तक जेलों में क्यों रहना पड़ता है, जुडिशरी इसके लिए क्या कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक। तो हमारे साथ लगातार बने हुए थे, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण पहले ही मूर्ति का अनावरण किया गया। आपको बता दें कि दरअसल वो दिन था 26 नवंबर 1949, जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, और उस दिन को आज भी याद किया जाता है, आज भी संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और आज इस दिवस के मौके पर ही एक खास कार्यक्रम का आयोजन, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी लगातार बने हुए। विकास, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पौधारोपण इस वक्त द्रौपदी मुर्मू करती हुई नजर आ रही देश की राष्ट्रपति। बिल्कुल जया, यहाँ पर जैसे ही मूर्ति का अनावरण किया उसके बाद एक फोटो सेशन हुआ, और अब राष्ट्रपति एक स्मृति के तौर पर, जब भी हम देखते हैं किसी बड़ी जगहों पर कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, तो एक स्मृति के तौर पर वृक्षारोपण, पौधारोपण किया जाता है। उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति एक पौधा आरोपित कर रही हैं, इसके बाद ही यहाँ का जो कार्यक्रम है ये समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद राष्ट्रपति सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो नया ऑडिटोरियम है, नया प्रीमाइसेस है, वहां जाएंगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन डे पर एक व्यापक चर्चा होती है जुडिशरी की ओर से, जिसमें कानून मंत्री भी हमने देखा है कि हमेशा हिस्सा लेते हैं, उसमें वो जाएंगी, उसमें अपनी बात भी रखेंगी, उससे पहले सीनियर जजेस भी अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर समाप्त है जया लगभग, और अब हम देखेंगे कि